अभी आप सभी के लिए लेके आ चुका एक माइंड ब्लोइंग सा AOSP का रोम जो कि है हमारा X, जो कि भाई काफ़ी लंबे टाइम से है जो मैं इसे मिस करता हुआ रहा था, लेकिन इसे यूज करने के बाद ऐसा फील होता है कि इसके आगे सारी चीज़ें फीकी हैं, क्योंकि यहाँ पे सुपर डुपर आपको सबुद्देश देखने को मिलता है, कस्टमाइजेशन तो नेक्स्ट लेवल के हैं और UI के अंदर जो मोटिवेशन किए गए हैं वो आपका दिल जीतने वाला है, और साथ साथ परफॉर्मेंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है इस रोम के अंदर, और बहुत सारी ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें जो कि शायद आपने बाकी अदर रोम में नहीं नोटिस करी होगी इन दिनों। तो आज के इस वीडियो में इसका कंप्लीट जानकारी देने लो, सिंगल सिंगल डिटेल आपको बताऊंगा और इंस्टॉल कैसे करना है वीडियो के एंड में भी आपको पता चल जाएगा। बस जरूरत है आपको लास्ट तक वॉच करने की, और आई होप कि आप ये वीडियो वॉच करने के बाद इसे अपने फ़ोन के अंदर डालने पे मजबूर होने वाले हो। मे बी कुछ लोगों ने इसे भाई यूज कर लिया होगा ऑलरेडी, तो अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना, बट भाई मैं जब से इसे यूज करूँ ना यह दिल गार्डन गार्डन हो गया है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, और बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगा लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और सपोर्ट के लिए शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हो तो लॉक स्क्रीन को मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से कस्टमाइज कर रखा है, चाहे वो हमारा क्लॉक है या फिर विजेट सपोर्ट वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो, बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। साथ साथ अनलॉकिंग के बाद जो वॉलपेपर आपको चाहिए मेरे टेलीग्राम वॉलपेपर चैनल पे मिल जाएगा, और यहाँ पे जो डायलर दिया गया ना ये डिफरेंट है, जिसके अंदर आपको कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह मिल जाता है, और इसके एनिमेशंस वगैरह पे आप ध्यान दो, काफ़ी स्मूथ आपको एनिमेशंस वगैरह देखने को मिलते हैं और काफ़ी सही तरीके से काम करता है, तो यहाँ पे कॉलिंग से रिलेटेड दिक्कत नहीं आएगा। ऑलरेडी एक BCR दिया गया है, बट इसकी नीड आपको नहीं पड़ने वाली कि कोई डिफॉल्ट डायलर में ये चीज़ें मिलती है। साथ साथ यहाँ पे कैमरे का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे डिफॉल्ट कैमरा मिल जाता है, जिसे हम हाइपर कैमरा कह लें, लाइका कैमरा कह लें, जो समझना है समझ लो, लेकिन यहाँ पे ये मिलता है जो कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके देता है। बट यहाँ पे 4K का 30 ही अनलॉक है, जो कि ऑफिशियली हमें ऐसा ही देखने को मिलता है। अनदर यहाँ पे आपको वही सारे कॉमन बेसिक से ऑप्शंस वगैरह मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा हम जैसे सेटिंग के अंदर इन करते हैं, यहाँ पे जो लुक है ना ये काफ़ी सही तरीके से रहता है, और जो आपका प्रोफाइल नेम रहेगा अकाउंट का वो यहाँ पे एनिमेट करते हुए नज़र आता है। कंट्रोल सेंटर को तो आप अपने हिसाब से मॉडिफाइड कर सकते हो, बट यहाँ पे एक और नया ऑप्शन आता है सेट करने का, जिसमें आप डेटा यूजेज वगैरह सब कुछ सेट कर सकते हो, और ये काफ़ी टाइम पहले मैंने एक रोम में नोटिस किया था जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत टाइम पहले यूज किया करता था, वो भी वन ऑफ द बेस्ट रहता था परफॉर्मेंस के मामले में, लेकिन कस्टमाइजेशन नहीं था, बट यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिलती है। और यहाँ पे देख सकते हो तो एनिमेशन वगैरह ये तो भाई आप अपने हिसाब से बदल सकते हो, लेकिन ये लुक काफ़ी बेहतरीन है। पावर मेनू का कुछ इस तरीके से स्टाइल मिलता है जो कि आप अपने हिसाब से मॉडिफाइड कर पाओगे। सेटिंग अंदर वापस से आते हैं, बॉटम पे चलते हैं, आपको अबाउट फोन मिलता है, जहाँ पे देखो अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है, यहाँ पे लिखा हुआ मिलता है 15 वनीला आइसक्रीम, इस पर टाइप करते हैं आपको पूरा इसका अबाउट सेशन मिल जाता है, जहाँ पे ऑफिशियल ये अपडेट है 2.7 का, बाकी फ़ोन के थोड़े बहुत स्पेक्स वगैरह आपको मिल जाते हैं, मेंटेनर डिटेल वगैरह, कर्नल वगैरह, जो कि आप यहाँ पे चेकआउट कर ही पा रहे हो। अनदर बैक की ओर आते हैं तो आपको मिलता है सिस्टम, जहाँ पे ये पॉपअप स्टार्टिंग पे ही आ जाता है, अगर आप डेटा केबल कनेक्ट करते हो तो विदाउट सेटअप के आप फाइल ट्रांसफर कर पाओगे, ये चीज़ मुझे अच्छा लगा है। अनदर जेस्चर्स के अंदर कॉमन से बेसिक सारे सेटिंग आपको मिल जाते हैं जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, और ये प्रॉपर काम करते हैं। अनदर इसका अपडेटर है, यूजर अकाउंट है, यहाँ पे सिस्टम का जो डिवाइस डायग्नोसिस का फीचर्स ऐड होने लगा है वो भी चीज़ यहाँ पे आपको मिलता है, रिसेट का भी है, और आप देख सकते हो आइकन किस तरीके से मॉडिफाइड किए गए हैं, तो यहाँ पे UI के अंदर काफ़ी ज़्यादा काम किया गया, और ये मुझे पसंद आया है, क्योंकि एक टाइप का UI देखते कि थोड़ा बोर हो जाते हैं, बट ये पूरा माइंड आपको रिफ्रेश कर देता है। यहाँ पे सारे आइकन उल्टे साइड आपको देखने को मिलते हैं, और जैसे आप इस रोम को डालोगे और यूज करोगे ना, तो ऐसा फील होता है कि आपने अभी जस्ट फोन बाय किया है, अनबॉक्स किया है, उसका जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है उसे भी आपने रिमूव कर दिया है और अपने फोन को यूज कर रहे हो, क्योंकि वहां पे जिस तरीके से आपका हाथ स्लिपरी होता है ना डिस्प्ले के ऊपर, इतना अच्छा टच रिस्पॉन्स मिलता है, सेम वही फील आती है इस रोम को डालने के बाद, क्योंकि ये चीज मैं पर्सनली फील कर रहा हूं, जो कि आप डालोगे तो आपको पता चलेगा। अनदर यहाँ पे आपको पासवर्ड की प्राइवेसी के ऑप्शंस मिल जाते हैं, जहाँ पे फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपको मिलता है, इनहेंस का स्क्रैम्बल का ऑप्शन मिल जाता है, प्राइवेट स्पेस मिल जाता है, मोर के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको वही सारे कॉमन से बेसिक ऑप्शन, और यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट USB डिवाइस आपका इनक्रिप्टेड मिलता है, जो कि अच्छी बात है। बैक की ओर आते हैं तो आपको मिलता है मोड्स, जो कि आज के टाइम में सभी में ऐड हो रहा है, जिससे आप कई सारे काम वगैरह करवा सकते हो, कॉलिंग मेंटेन करना, डिस्प्ले की कुछ सेटिंग मेंटेन करना, और बाकी चीज़ें जो कि यहाँ से आप कर सकते हो। साउंड के प्रोफाइल में आपको यहाँ पे देख सकते हो स्केल किस तरीके से देखने को मिल जाता है, जो कि ये चीज़ मुझे अच्छा लगा, देखने में काफ़ी सही लगता है। बाकी क्लियर स्पीकर वगैरह भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, और बाकी अदर ऑप्शंस वगैरह भी है, हैप्टिक के पैटर्न भी मिलते हैं, जो कि अच्छी बात है। स्टोरेज देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाई देता है एनिमेट करता हुआ, और यहाँ पे जिस तरीके से आपका फुल होगा या लो होगा, यहाँ पे कलर चेंज होगा आपका बैटरी का और स्टोरेज का, ये चीज़ काफ़ी सही लगा मुझे। जब ये वीक रहता है तो रेड हो जाता है, जब ये फुल होता है तो ग्रीन हो जाता है, तो ये चीज़ भी काफ़ी सही है।
यहाँ पे जो आइडियल है इसे मैंने यूज किया और बैटरी स्टैंड बाय भाई काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिला इसके बाद। बाकी यहाँ पे आपको स्लीप मोड देखने को मिल जाता है जो कि ये भी बैटरी सेविंग में हेल्प करता है। अनदर चार्जिंग कंट्रोल है, यहाँ पे प्रोफाइल मिलता है जो कि आपको अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, बट बेसिक भी आपको काफ़ी बेहतरीन मिल जाता है, दिक्कत नहीं आती। ये हमारा बैटरी स्टेटस वगैरह का है और बाकी बेसिक चीज़ है। नोटिफिकेशन के अंदर जो कूल डाउन नोटिफिकेशन का फीचर है आजकल सभी रोम में आने लग गया और यहाँ पे भी आपको मिलता है जो कि काफ़ी बेहतरीन है। जब आपके काफ़ी ज़्यादा नोटिफिकेशन आते हैं तो ये उसे कंट्रोल करता है ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो और बाकी वही सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। ऐप्स के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि ऐप लॉक का ऑप्शन है जो कि आपका प्रॉपर काम कर जाता है, नो इशूज। अनदर यहाँ पे आपको मिल जाता है जो कि क्लोन ऐप है जो कि यहाँ पे भी आपका ये काम करता है, मैंने कुछ क्लोन कर रखे हैं, दिक्कत नहीं आती है। अनदर यहाँ पे वॉलपेपर एंड स्टाइल, यहाँ पे आप देखो इसका जो लुक है थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई दे रहा है आइकन वगैरह का, और यहाँ पे देखो ये पॉपअप ज़्यादा आपको फोकस दिखाई दे रहा है किसके ऊपर, लॉक स्क्रीन के ऊपर। बाकी यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फॉन्ट्स वगैरह आपको मिल जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा है, तो जो भी यूज करना है वो आप यूज कर सकते हो। तो काफ़ी लंबी लिस्ट आपको मिलती है फॉन्ट्स की। यहाँ पे आइकन पैक के कुछ ऑप्शंस है कस्टमाइज करने के। लॉक स्क्रीन के ऊपर आपको मिल जाता है शॉर्टकट्स वगैरह, ऑलवेज ऑन का शेड्यूल और बाकी बेसिक से ऑप्शन वगैरह आपको मिलते हैं। वॉलपेपर चेंज की बात करें तो सिस्टम डिफॉल्ट एक ही मिलता है, बाकी आप अपने हिसाब से अलग से वॉलपेपर ऐड कर सकते हो। अनदर आता है डिस्प्ले, जहाँ पे ये ऑप्शन है ना बिल्कुल ये कह सकते हो कलर ओएस वगैरह से लिया गया है, उसमें कुछ इस तरीके से ही ऑप्शन आता है। तो आप ये नॉर्मल डार्क मोड यूज कर सकते हो या फिर प्योर ब्लैक वगैरह भी यूज कर सकते हो, जैसे कि मोस्टली प्योर ब्लैक यूज करते हैं बट मुझे ये वाला पसंद आता है। तो इसका UI चेंज किया गया है, ऐसे तो ये सारा लुक आपको बाकी अदर कस्टमरों में मिलता है लेकिन यहाँ पे जो UI के अंदर कस्टमाइजेशन दिया गया है वो मुझे पर्सनली अच्छा लगा है। बाकी यहाँ पे अडेप्टिव का ऑप्शन मिल जाता है, एक्स्ट्रा डिम का है, लॉक स्क्रीन है, कलर है और साथ साथ रिफ्रेश रेट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पे डबल टैप का भी ऑप्शन आपको मिलता है, टैप टू स्लिप लैंडस्केप, और यहाँ पे स्टेटस बार का है, प्रीवेट रिंगिंग का है, हाई टच पॉलिंग रेट का और ऐप रिफ्रेश रेट है, सैचुरेशन का ऑप्शन आपको मिल जाता है और यहाँ पे HBM जो दिया गया है वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो और ये काम करता है। अनदर यहाँ पे आपको नॉर्मल से बेसिक कस्टमाइजेशन मिलते हैं लेकिन आप जैसे इस पर टाइप करते हो इसका ह्यूज कस्टमाइजेशन अनलॉक हो जाता है, जहाँ पे आपको मिलता है लॉक स्क्रीन, जहाँ पे आप अलग अलग क्लॉक फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और बहुत सारे यहाँ पे क्लॉक के फॉर्मेट दिए गए हैं जो कि भाई आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो जिनमें एक यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अनदर यहाँ पे आपको फॉन्ट्स मिल जाते हैं, जहाँ पे कई सारे क्लॉक के फॉन्ट्स वगैरह आप बदल सकते हो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये भी काफ़ी सही लगता है। विजेट्स वगैरह जो कि आपने सबसे पहले राइजिंग में देखा, एवोल्यूशन में देखा, अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि यहाँ पे है। बस यहाँ पे क्या करना है, इस पर टाइप करना है, आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर टाइप करना है ऑप्शन मिल जाएगा। इस तरीके से आप शॉर्टकट्स वगैरह को बदल सकते हो, आप चाहो तो यहाँ से परमानेंट इन्हें ऑफ भी कर सकते हो। अनदर यहाँ पे आता है वेदर का सेटिंग जो कि आप यूज कर पाओगे, वेदर कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, डेफ्ट वॉलपेपर भी दिया गया है जो कि आप यूज कर पाओगे। यहाँ पे QoS कैरियर लेवल, चार्जिंग एनिमेशन वगैरह और बाकी अदर ऑप्शंस मिलते हैं जो कि आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। पॉकेट मोड भी है और फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन वाले भी ऑप्शन आपको मिलते हैं। मोनेट के अंदर आप मोनेट का कस्टमाइजेशन कर पाओगे जो कि ये काफ़ी टाइम से चलता हुआ आ रहा है, यहाँ से आपको लेकर चला जाता है वॉलपेपर स्टाइल के ऊपर। ये है थीम्ड पैक जहाँ पे अलग बूट एनिमेशन भी दिया गया है, तो जो भी बूट एनिमेशन आपको रखना है बाय डिफॉल्ट वो आप यहाँ पे रख सकते हो, अदरवाइज इसका सिस्टम डिफॉल्ट अच्छा है। यहाँ पे वॉलपेपर ब्लर का फीचर्स मिलता है बट यहाँ पे दिक्कत क्या है कि जैसे आप इसे अप्लाई करते हो रीस्टार्ट UI नहीं होता, तो आपको मैनुअली ये करना पड़ेगा तब जाके ब्लर इफेक्ट आपको दिखाई देगा। तो ये कभी कभी किसी किसी और रोम में भी प्रॉब्लम नोटिस किया हूँ कि सिस्टम UI रिफ्रेश नहीं होता है, तो यहाँ पे करना पड़ता है। अभी देखो ये हो गया, तो यहाँ पे काम कर रहा है बट उतने अच्छे तरीके से नहीं, लेकिन हाँ इफेक्ट आपको नजर आएगा जब आप ब्लर कर लोगे और मैनुअली अगर आप सिस्टम UI को रिफ्रेश करते हो, अगर ऑटो नहीं होता है तो काम करता है। बस थोड़ी सी कमी है कि ऑटो होना चाहिए जैसा कि अभी हुआ तो अच्छा रहता। बाकी यहाँ पे आइकन पैक वगैरह है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्टाइल दिए गए हैं, सभी के अंदर ऐसा ही स्टाइल आपको मिल जाता है चेंज करने का जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और ये जो डिफरेंट सा लुक है ना काफ़ी मुझे अच्छा लगा है। लेकिन हाँ वही है कि आपको स्लाइड करके फाइंड करना पड़ेगा कौन सा अच्छा लग रहा है कौन सा नहीं, वो रख सकते हैं, एक लंबा लिस्ट रहता है तो यूज करने में थोड़ा हैंडी रहता है, बट हाँ यहाँ पे नया UI है तो ये मुझे पसंद आया है। बाकी वॉल्यूम के अलग अलग पैनल आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे अगर रहता है इसी तरीके से स्लाइड करने का ना तो ज़्यादा अच्छा रहता, बट कोई बात नहीं, और यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से ऑप्शंस मिलते हैं। अनदर आता है यहाँ पे स्ट्रेस बार, जहाँ पे स्ट्रेस बार के आइटम वगैरह को आप कंट्रोल कर सकते हो, क्लॉक के लेफ्ट राइट के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, बैटरी का ऑप्शन आपको मिल जाता है जहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिए गए बैटरी से रिलेटेड बेसिक से चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि आप कंट्रोल कर पाओगे। नेटवर्क ट्रैफिक का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे आपको रोमिंग का है, डेटा का है, वाईफाई का है, कलर नोटिफिकेशन वगैरह है और बाकी यहाँ पे पैडिंग कंट्रोल भी आपको मिलता है।
अनदर क्यूएस का ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पे कि पुल डाउन आप सेट कर सकते हो, डेटा यूज वगैरह है, ड्यूअल टोन आप सेट कर सकते हो, ट्रांसपेरेंट करना या फिर नहीं करना, इससे रिलेटेड जितने भी कस्टमाइजेशन रखने हैं आप कर सकते हो। क्लॉक मैंने ऑक्सीजन वॉइस वाला डाल रखा है। ये सारे लुक और कस्टमाइजेशन आपको इस पैनल पे देखने को मिलते हैं जो कि आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो, जैसा भी आपको रखना है। नजर आता है AOD कस्टमाइजेशन जहाँ पे AOD को आप ऑन कर सकते हो और बाकी उसके कस्टमाइजेशन कर सकते हो जो कि वर्किंग है। यहाँ पे बटन का ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पे आंसर कॉल, वैकअप, प्रीवियस रैंकिंग, वॉल्यूम स्लाइडर, हैप्टिक्स वगैरह जो कि आप यहाँ से ऑन कर सकते हो, और जैसे ही वॉल्यूम को स्लाइड करोगे आपको हैप्टिक फील होगा। ये सारी चीजें आप यहाँ से कंट्रोल कर पाओगे। यहाँ पे बॉटम पे या टॉप पे रखना है वो भी आपको मिलता है। पावर मेनू में एडवांस ऑप्शन आपको मिल जाएगा और यहाँ पे अलाउ पावर मेनू अनलॉक स्कीम, इसे आप कंट्रोल कर पाओगे। नोटिफिकेशन के ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं जैसे कि हैंड्स अप का, कॉम्पैक्ट का, ऑनगोइंग का, वाइब्रेट फॉर कॉलिंग, एज लाइटिंग वगैरह और यहाँ पे फ्लैश लाइट। अनदर यहाँ पे आपको मिलता है इनके डेवलपर मेंटेनर के पूरे डिटेल्स वगैरह। यहाँ पे नेविगेशन का ऑप्शन मिल जाता है जो कि आप सर्कल टू सर्च वगैरह भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, और फ्री फॉर्म और एंड्रॉयड 15 का साइड बार। अनदर यहाँ पे आता है मिसलेनियस जहाँ पे कुछ अफूफ वाले ऑप्शन दिए गए हैं और ये प्रॉपर काम करते हैं, जैसे कि FPS का हो गया, टेंसर वगैरह का हो गया, यहाँ पे आपको गूगल का हो गया, प्ले स्टोर वगैरह के हो गए, और फोटो स्टोरेज वगैरह और गेमिंग के, तो ये सारे वर्किंग रहते हैं। स्मार्ट पिक्सल भी दिया गया है, हाइड ऐप लिस्ट भी दिया गया है जो कि डेवलपर ऑप्शन ऑन होने के बाद दिक्कत करते हैं ना, जिसे वहाँ से कंट्रोल कर सकते हो जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। बाकी इग्नोर विंडो सिक्योर का ऑप्शन आपको मिल जाता है, नो स्टोरेज वगैरह का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, अनलिमिटेड स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऑप्शन मिलते हैं। तो ये सारे यूजफुल हैं उनके लिए जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा अपने फ़ोन को यूज करते हैं हर एक मामले में, तो ये उनके काम आने वाला है। ये सारे कस्टमाइजेशन हैं जो कि मुझे रियली में काफ़ी पसंद आए हैं। सारे यूजफुल कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं और स्पेशली इसका जो एनिमेशन है वो मुझे पसंद आया, और इसकी स्मूथनेस तो भाई क्या ही कहना, काफ़ी मज़ा सा आ जाता है इसे यूज करने के बाद। बाकी इसके डिफ़ॉल्ट लॉन्चर की बात करें तो यहाँ पे भी आपको कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं अच्छे खासे, क्योंकि पिक्सल का लॉन्चर नहीं है, डिफरेंट है, और यहाँ पे बहुत कुछ आपको मिलता है जो कि आप अपने हिसाब से यहाँ पे मॉडिफाइड कर सकते हो, और यहाँ पे भी आपको एक स्मूथ सा रिस्पांस देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हो मैंने कई सारे टैब ओपन कर रखे हैं और काफ़ी सही तरीके से यहाँ पे काम करता है, सिंगल स्लाइड पे लास्ट पे, सिंगल स्लाइड पे स्टार्टिंग पे। यहाँ पे रैम फ्री, स्क्रीनशॉट वगैरह और क्लीन ऑल का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। ये सारी चीज़ें थी जो कि इस रोम में देखने को मिला, लेकिन इसके बाद परफॉर्मेंस क्या निकल के आता है उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। तो सिस्टम डिफॉल्ट आपको इतने ही एप्लीकेशन मिलेंगे जब आप इसे फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करोगे अपने फोन के अंदर। उसके बाद अबाउट सेशन कुछ इस तरीके से रहता है, मैंने उसके बाद लाइट मोड कर दिया है, और यहाँ पे देखो बैटरी रेड है और स्टोरेज ग्रीन है 7% का, तो कुछ इस तरीके से ये चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई देती है। इसके बाद यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग तो मैंने आपको शो कर ही दिया, कैमरा वगैरह हमारा काम कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं आई है, और यहाँ पे कूल डाउन का फीचर्स भी आपको मिलता है, ये सारे ऑप्शन आपके वर्किंग रहते हैं, इनमें भी कोई दिक्कत नहीं आती है। और रही बात यहाँ पे हमारा क्या है, देखो ये ब्लर वाला काम कर रहा है जैसे कि मैंने कहा कि काम करता है, बस UI को एक बार आपको रीस्टार्ट करना पड़ता है। L1 का सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है, फोटो स्टोरेज अनलॉक मिलती है क्योंकि इसकी सेटिंग दी हुई है, तो आपको टेंशन नहीं आती। और ये है हमारा CPU टोटल रिजल्ट जो कि आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा है, 4,03,000 का मैक्स, और मिनिमम यहाँ पे 3,44,000 है, 90% जो कि मैं कहूँगा अच्छा है। उसके बाद ये है हमारा Antutu स्कोर जो कि नॉर्मल सा स्कोर है, लेकिन हाँ इसका परफॉर्मेंस बूस्ट करने के बाद जब मैं इसे दोबारा चेक करता हूँ तो इसमें अच्छा खासा आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप देख पा रहे हो कितना अच्छा हाई स्कोर यहाँ पे नज़र आता है। वहीं पर बात करें हमारे Geekbench स्कोर की, तो Geekbench स्कोर भी काफ़ी बेहतरीन है, टॉप नॉच रिजल्ट शो करता है, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आती, आप आसानी से इसे यूज कर सकते हो, परफॉर्मेंस वगैरह में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। रही बात यहाँ पे बैटरी ड्रॉप कितना देखने को मिलता है स्टैंड बाई का, तो 49 के बाद मॉर्निंग में आता है 48, जहाँ पे आप देख सकते हो ऑनली 1% का बैटरी ड्रॉप हुआ है जो कि 9 hours 40 minutes यानी कह सकते हैं 10 hours का स्टैंड बाई टाइमिंग है। तो ये अब तक का मैं कहूँगा स्टैंड बाई के मामले में काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट प्रोवाइड करता है, ओनली 1%, जबकि बाकी 2, 3 और 4% शो कर देते हैं ईजिली, बट यहाँ पे 1% है और ये अच्छा लगा है मुझे। अनदर यहाँ पे आप देख पाओगे कि जैसे कि हमारा डिवाइस सर्टिफाइड रहता है, बैंकिंग ऐप यूज करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, आप मज़े से यूज कर सकते हो। कैमरा तो मैंने आपको शो कर ही दिया है, कोई इशू नहीं आता। गेमिंग के अंदर आपको यहाँ पे स्ट्रीम और अल्ट्रा स्ट्रीम का भी फीचर्स अनलॉक मिल जाता है। अब जैसे कि आप लोग कहते हैं कि भाई ऑडियो वगैरह सुना दिया करो, तो चलो मैं आपको यहाँ पे ऑडियो सुना देता हूँ, क्या हमें क्वालिटी देखने को मिलती है।
तो आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा इसके ऑडियो के बारे में भी, कि ऑडियो क्या हमें कैसे देखने को मिलता है। और ये रोम भाई मेरे तरफ से रिकमेंडेड है, जरूर एक बार आप इसे ट्राई करो क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है इसे यूज करने के बाद। और ऑलरेडी यूज कर चुके हो तो अपना ओपिनियन मुझे जरूर शेयर करना, क्योंकि भाई मुझे तो इससे ट्रू वाला लव हो गया है कहे तो। और रही बात इसे इंस्टॉल करना है कैसे, तो मैं ऐड कर देता हूँ इंस्टॉलेशन गाइड जिसे आप फॉलो करके इसे इजीली इंस्टॉल कर पाओगे अपने फोन के अंदर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके ही जाना, ऐसे मत भाग जाना ओके, क्योंकि जब आप ऐसे जाते हो तो बड़ा दुख होता है, तो कर दिया करो। तो फोन को ऑफ कर लेने के बाद पावर बटन एंड वॉल्यूम आपको लॉन्ग प्रेस करना, जिससे आपके फोन का रिकवरी जो भी है इंस्टॉल्ड वो ऑन हो जाएगा। अगर रिकवरी इंस्टॉल नहीं है तो पहले रिकवरी इंस्टॉल कर लेना अपने फोन के अंदर, और रिकवरी हमेशा वही यूज करना जो कि आपको बताया जाए। अगर किसी रोम के लिए सेपरेट रिकवरी बोला गया है तो उसी का यूज करना, अदरवाइज लेटेस्ट वाला यूज करना। आपका भाई ये कैसे पता चलेगा, तो जहां से आप रोम डाउनलोड कर रहे हो या वीडियो वॉच कर रहे हो वहां पे बताया जाएगा, तो वहां से आप कर लेना ओके। तो कई टाइप के रोम होते हैं, कुछ होते हैं वनीला वर्जन जिसमें आपको जो गूगल के एप्लीकेशन नहीं रहते इंक्लूड अलग से डालना पड़ता है, और कुछ रहते हैं जिसमें आपको FW रिक्वायर्ड रहती है, कुछ में एक्स्ट्रा पैच रिक्वायर्ड रहता है, और कुछ में कुछ भी करना नहीं रहता। और ये सेम प्रोसेस आपके HyperOS या MIUI रोम के लिए भी फॉलो होगा, तो बस देखना समझना है। पहले आपको वाइप नहीं करना है, मैं ये रिकमेंडेड नहीं करूँगा, जैसे दिखा रहा हूँ वो आपको करना है। अगर जो रोम आप डाल रहे हो उसमें अगर आपको FW बताया गया है तो आपको FW सपोर्टेड जो कि रिकमेंडेड किया गया है उसे डाउनलोड करके सेलेक्ट करना है और इस तरीके से स्वाइप कर देना है। अगर रिकमेंडेड है तो ये स्टेप फॉलो करना है, अदरवाइज इग्नोर कर देना है, और ये इजीली फ्लैश हो जाता है। उसके बाद आपको बैक आना है। अब जो भी रोम फ्लैश करना है आपको, चाहे वो हाइपर का हो या कस्टम रोम हो, उसे सिलेक्ट कर लेना है। तो FW के बाद हमारा है जो रोम सिलेक्ट होगा जो भी आपको बताया गया है वो, और स्वाइप कर देना है। मे बी इसके फ्लैशिंग में आपको फर्स्ट टाइम एरर देखने को मिल सकता है, तो ऐसे में रिबूट टू रिकवरी करके दोबारा आपको जो फ्लैश कर लेना है रोम को, और सेकेंड टाइम आपको जो कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा अगर फर्स्ट टाइम मिला है तो। यहाँ पे कंप्लीट फ्लैश हो गया, इसके जगह आपका मे बी HyperOS हो सकता है या कोई मोड रोम MIUI का हो सकता है, या फिर आपका OxygenOS, ColorOS या Motorola का कोई भी पोर्ट OS हो सकता है। तो इसी तरीके से फ्लैश होगा, बस सेलेक्ट एंड फ्लैश कर देना है। और अगर आप जो भी रोम फ्लैश करें उसके अंदर कोई भी GF नहीं डाला हुआ है, वनीला वर्जन है, तो आपको अपने डिवाइस का एंड्रॉयड वर्जन का सपोर्टेड GF को डाउनलोड कर लेना है, जैसे कि ये रहा, और लास्ट में फ्लैश कर देना है जब आप रोम को फ्लैश करोगे उसके बाद। अगर नहीं है तो ही इस स्टेप को फॉलो करना है, अगर उसके अंदर इंक्लूड है तो इसे फ्लैश नहीं करना। अब फिर से पूछो भाई पता कैसे चलेगा कि GF लगेगा या नहीं, तो जहां से आप डाउनलोड करोगे या जिस वीडियो से करोगे वहां पे बताया हुआ रहेगा कि आपको गूगल के एप्लीकेशन डालने पड़ेंगे, GF डालना पड़ेगा, तब डालना है, अगर नहीं बताया गया तो नहीं डालना है। अब देखो यहाँ पे एरर आ गया, तो अगर एरर आता है तो रिबूट टू रिकवरी करके फ्लैश करेंगे, अगर नहीं आता है तो हमें रिबूट टू रिकवरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। और सम टाइम रिबूट टू रिकवरी करने के बाद आपके डिवाइस का जो रिकवरी है वो रिप्लेस हो सकता है सपोर्टेड कस्टम रोम के हिसाब से, तो उसे इग्नोर करना और उसी रिकवरी का यूज करते हुए फिर से फाइल को फ्लैश कर लेना। तो यहाँ पे मेरा रिप्लेस नहीं हुआ, आपका होगा तो बता रहा हूँ। अब यहाँ पे मुझे इसमें एरर आया था, मैं इसे दोबारा फ्लैश करूँगा, अब एरर देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपके फ़ोन के अंदर टीटोरियल पे नहीं डाला हुआ है और आपके पास PC नहीं है, तो मैंने ऑलरेडी जो प्लेलिस्ट बना के दे दी है आपको जो कि विदाउट PC फ्लैशिंग गाइड, उसमें जाके देख लेना कि TWRP को कैसे फ्लैश करना है विदाउट PC के, सारी चीज़ें आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। तो जो कुछ भी एक्स्ट्रा फाइल है सभी को इस तरीके से 1x1 फ्लैश करते जाना है। सब कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद आपको सिंपल है जो अपने फॉर्मेट के ऑप्शन पे जाना है, चाहे आप TWRP यूज कर रहे हो या फिर रिकवरी ऑरेंज फॉक्स, सभी में आपको फॉर्मेट का ऑप्शन मिल जाएगा। इस तरीके से जाके यस टाइप करना है और लास्ट में फॉर्मेट करना है। कंप्लीट हो जाने के बाद आपको जस्ट रिबूट कर लेना है, कुछ ही मिनट के अंदर आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा। मे बी 5 मिनट लग सकता है किसी किसी रोम में, किसी किसी में 10 मिनट भी लग सकता है, बस वेट करना है और सेटअप करके यूज कर लेना है। आई होप कि आपको ये प्रोसेस जो मैंने बताया समझ में आ गया है। तो बस इतना ही सा था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी सिंपल और इजी था, बस मैंने यहाँ पे एक यूनिवर्सल है जो फ्लैशिंग गाइड बनाया है ताकि हर एक वीडियो के अंदर ऐड कर सकूँ जहाँ पे इस तरीके के गाइड की रिक्वायर्ड हो, क्योंकि आप लोग कमेंट करते रहते हो कि भाई लास्ट में फ्लैशिंग गाइड बता दिया करो। तो यही है गाइड जो कि आपको फॉलो करना है, जिस भी रोम का रिव्यू देख रहे हो उसके लास्ट में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, और हाँ शेयर जरूर कर देना।